Assalamualaikum. करियर की एक और नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़ैब रहमान. आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सिर्फ इस वक्त ही नहीं बल्कि दुनिया के हर मोमेंट पर, हर लेवल पर इस टॉपिक की इम्पॉर्टेंस को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये टॉपिक ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि बड़ों के लिए भी और यहाँ तक के बच्चों के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और टॉपिक का नाम है आई कैन अचीव माई गोल. आपको पता है कि हमारी लाइफ में हर किसी का कोई ना कोई मकसद होता है. हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं और कहीं ना कहीं पहुंचना चाहते हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं, कभी कभी लोग हमें रोक देते हैं और हम वो काम करने के लिए अपने आप को खुद ही कमज़ोर समझ लगते हैं. हम सोचते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये काम हम नहीं कर सकते. तो आज हमने इस नहीं हो सकता को ही पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना है. और आज के टॉपिक में जनाब मैं आपको बताऊँगी कि हाउ टू अचीव योर गोल फर्स्ट. सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आपको ये डिटरमाइन करना ज़रूरी है कि आप आखिर करना क्या चाहते हैं. कुछ बच्चों से हमने पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं, तो किसी ने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कोई बच्ची कहती है कि मुझे पायलट बनना है और कुछ कहती है कि मुझे एक्ट्रेस बनना है. आज इस शो में हम आपकी मुलाकात दो बहुत ही टैलेंटेड बच्चों से भी करवाने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि पहले हम आपको देंगे टॉपिक की डिटेल और उसके बाद हम बताएंगे आपको कि इस टॉपिक पर बेसिकली काम कैसे किया जाता है. वही एक्टिविटी आज हम इस शो में करने भी वाले हैं. हमने जब बच्चों से बात की तो उन्होंने हमें ये बताया कि जब भी हम किसी के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, तो सब कहते हैं कि तुम नहीं बन सकते. और इवन ये मेरे साथ भी हुआ कि जब मैं खुद छोटी थी, खैर छोटी तो मैं अभी भी हूँ अकॉर्डिंग टू द हाइट, लेकिन जब मैं खुद छोटी थी, इवन आई वॉज इन द प्राइमरी स्कूल, तो उस वक्त मेरे जो जितने भी फ्रेंड्स थे, जब मैं उनके सामने कहती थी कि मुझे बिजनेस वुमन बनना है, मुझे कॉर्पोरेट लेडी बनना है, तो सब मुझे कहते थे तुम नहीं कर सकती. कुछ तो मुझे कहते थे तुम तो इतनी छोटी सी हो, तुम कैसे बनोगी. सो उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि ये लोग मुझे पकड़ पकड़ के रोक रहे हैं. तो मुझे उनकी इस बात से बहुत बहुत हर्ट होता था, मुझे बहुत दुख होता था. फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी मेहनत करना शुरू किया, अपने ऊपर फोकस करना शुरू किया. और देखें, जब मेहनत करते हैं, फोकस करते हैं, तो इंसान जो चाहता है ना वो बन जाता है. जैसे कि आपने देखा कि बहुत सारे एक्टर्स हैं, कॉमनली हम बात करते हैं बच्चों को जो है वो इस वक्त कार्टून से ज्यादा जो है मूवीज पसंद आने लगी हैं. बच्चों का फेवरेट जो एक इस वक्त कैरेक्टर चल रहा होता है वो क्रिश चल रहा होता है. अब आप देखें, क्रिश भी बेचारा जो है वो खुद भी तो कभी एक छोटा सा बच्चा था ना, लेकिन अब वो देखें, अब वो क्रिश है, आप उसे पसंद करते हो. इसी तरह से हो सकता है कि आप अभी छोटे से हो, लेकिन आप जो बनना चाहते हो अगर आप मेहनत करो तो एक दिन आप भी वो बन जाओ और लोग फिर आपको भी पसंद करने लगे और कहेंगे वाओ सना को देखा कितनी अच्छी है, वाओ बिलाल को देखा कितना अच्छा है, वाओ नुमान को देखा कितना जबरदस्त है, किरण कितनी मेहनत करती है. इस तरह की चीजें जो है ना, जब आप सोचोगे, आप मेहनत करोगे तो आप हासिल कर लोगे. और सबसे पहले तो अपने गोल को अचीव करने के लिए मैं एक चीज बताती चलूं कि आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप करने क्या वाले हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आगे बढ़कर फ्यूचर में डॉक्टर बनना है, तो कोई आपको कितना भी डिग्रेड करे, कोई आपसे कितनी बार भी कहे कि आप नहीं बन सकते, आप अपने पॉइंट पर डटे रहोगे, मैं बन के दिखाऊंगा. लोग जो है ना वो आपको रोकते हैं, आपने रुकना नहीं है, आपने कुछ कर दिखाने वाली सेंस अपने अंदर पैदा करनी है. आप सोचते हो कि अगर लोग मुझे रोकेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमें एक और डर लगता है, जब हम कभी कभी हम अगर एक्टिंग की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि बंदा अगर एक्टिंग करने वाला होता है तो उसको लगता है कि शायद मुझे देख के लोग हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे. भाई लोग तो अगर आप अच्छा करते हैं तब भी मजाक उड़ाते हैं, तो लोगों की परवाह नहीं करनी है. हमें जो करना है हम वो काम करके दिखाएंगे, ताकि जब हम काम अच्छे तरीके से करके दिखाते हैं तो फिर लोगों की नज़र में ये होता है कि नहीं, ये बंदा तो वाकई ज़बरदस्त है, इसने तो ये काम कर दिखाया. तो लोगों का मुंह बंद करवाने के लिए हमें पहले कुछ प्रूफ करके दिखाना होता है. वो प्रूफ करके दिखाने वाली जो एक एबिलिटी होती है वो आपको अपने अंदर पैदा करनी होती है. तो और जो प्रॉब्लम्स आपके, एक और प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है वो ये होता है कि हमारे पास जब रास्ते में प्रॉब्लम्स आती हैं कोई भी काम करने के हवाले से, जो हम बनना चाहते हैं वो बनने में अगर हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमें डर लगने लगता है. हम कहते हैं कि अब तो प्रॉब्लम आ गई, अब मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं, अब तो मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा. तो उस वक्त आपको अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करना होता है, प्रॉब्लम का सामना करना होता है, क्योंकि जब आप इस प्रॉब्लम को क्रॉस करते हो तो आगे जाकर आपकी कामयाबी खड़ी होती है, आगे जाकर आपको जीत मिलती है. जैसे कि आपने देखा होगा कि अक्सर एक
एड आता है और उसमें ये होता है कि एक बंदा जो है वो कोल्ड ड्रिंक पीता है और उसके बाद एक ऊंचे से पहाड़ पे चढ़ जाता है और उससे पहले लोग उसके ऊपर हंस रहे होते हैं, लेकिन जब वो पहाड़ पे चढ़ जाता है तो लोग कहते हैं वाओ ये तो वहां तक पहुंच गया। तो इसका मतलब आपकी कामयाबी भी एक पहाड़ की तरह है, आपने अपने आप को कंट्रोल करना है, प्रॉब्लम्स को फेस करना है और उस जगह तक पहुंच जाना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे और इसी तरह से लोग आपको भी पसंद करने लगेंगे। हो सकता है आप में से कोई डॉक्टर बन जाए, कोई पायलट बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई एक्टर बन जाए, कोई जो है वो डायरेक्टर बन जाए, कोई जो है वो आप कह सकते हैं साइक्लिस्ट बन जाए। हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। उस टैलेंट को हाईलाइट करने के लिए सबसे पहली चीज आपके पास होनी चाहिए डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन यानी इस बात का पक्का यकीन और पूरा इरादा कि मैं ये काम करके दिखा सकता हूँ, मैं यही काम करने के लिए पैदा हुआ और मैं दुनिया को प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मुझे ये काम आता है। उसके बाद दूसरी चीज, फेस योर प्रॉब्लम्स। जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको फेस करना है, उसको समझना है और उसी पर आपने कायम रहना है। एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज दैट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कहते हैं जनाब अपने पॉइंट पर डटे रहना। लोग आपके सामने आएंगे, अभी भी जब मैं एक एक्टिविटी करवाऊंगी तो आप देखेंगे कि जो बच्चे जो काम कर रहे होंगे मैं उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन वो अपने फर्म बिलीफ के ऊपर डटे रहेंगे और वो काम करके दिखाएंगे। तो हमें इसी चीज पर कायम रहना चाहिए। जब आपने देखा ना, आप बहुत प्यारा से तैयार हो जाते हैं तो उस वक्त होता ये कि आपके जो सराउंडिंग में लोग होते हैं, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, जो कजन होते हैं, वो आपसे जेलस होने लगते हैं और फिर वो आपको कहते हैं अच्छे नहीं लग रहे। कोई आपको कहता है तुम्हारी जीन्स का कलर अच्छा नहीं है, कोई आपको कहता है तुम्हारी पोनी अच्छी नहीं बनी। लेकिन उस वक्त होता क्या है, असल में उनको अंदर जेलसी हो रही होती है कि ये इतना अच्छा कैसे लग रहा है, ये इतनी प्यारी कैसे लग रही है। तो वो इस तरह के जुमले करके आपको, आपके जो मॉरल होता है, आपका जो कॉन्फिडेंट होता है ना, उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप उनके सामने बोलेंगे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो अच्छा लग रहा है, तो फिर उनको फील होगा कि नहीं ये तो डिमोटिवेट हो ही नहीं रहा। तो इसी तरह से आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है, आप कंसिस्टेंट रहो। अच्छा नहीं भी लग रहा तो मुझे यही पहनना है, यही मेरा है। जिस तरह आप कहते हो ना घर पे अपने मॉम से या अपने डैड से पैसे मांगते हुए आप कहते हो कि मुझे यही चीज़ चाहिए, मुझे यही खाना है, मुझे बर्गर खाना है, मुझे मैकडोनल्ड ही जाना है, इसी तरह से आप अपने गोल पर भी स्टिक रहो। मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे एक्टर ही बनना है, मुझे इंजीनियर ही बनना है, मैं तो पायलट बन के दिखाऊंगा। जब आपको लोग रोकें कि तुम पायलट बनोगे तो आप कह सकते हो जिस दिन मेरा जहाज तुम्हारे घर की छत पे उतरेगा ना उस दिन बताना कि मैं बन सकता हूँ या नहीं बन सकता। सो इस तरह से जो लोग आपको रोकना चाहते हैं ना वो खुद रुक जाते हैं कि नहीं यार ये तो बहुत कॉन्फिडेंट है। तो ये चीज आपको अपने माइंड में रखनी है। बी कंसिस्टेंट, बी डिटरमाइंड, बी रेडी। एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जब भी आप कोई भी काम करना चाहते हो, जैसे ही आप उस काम को शुरू करते हो तो प्रॉब्लम्स आती है। ऐसा नहीं है कि हर काम आपको जो है वो प्लेट में सजा के दे दिया जाएगा। जैसे कि आपने सोचा कि भाई मुझे अगर डॉक्टर बनना है, आप गए और आपको फ़ौरन ही कॉलेज में एडमिशन मिल गया और आप फ़ौरन से अगले 2 साल में डॉक्टर बन गए, ऐसा नहीं होता। आपको कंप्लीट 10 ईयर्स की स्टडी कंप्लीट करनी होती है, अपने माइंड को रेडी करना होता है, 1000 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको डेली सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाना होता है, स्कूल में अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी होती है, टेस्ट में आपको A+ लाना होता है, हर एग्जाम आपको क्लियर करना होता है और हर प्रॉब्लम को आपने स्ट्रॉन्ग रहकर सॉल्व करना होता है, तब जाके आप किसी काबिल बनते हो। इसमें ऐसा भी होगा कि कभी कभी टीचर्स आपको डांटेंगे, कभी कभी आपको क्लास से बाहर निकाल देंगे, कभी कभी आपके सबके सामने आपकी इंसल्ट कर देंगे, कभी ऐसा होगा कि आपका ग्रेड कम आएगा तो आपके पेरेंट्स आपको डांटेंगे कि तुम्हारा ग्रेड इतना कम क्यों आया। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर आप इन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हो कि हाँ मेरी गलती थी, मुझे और मेहनत करनी है, हाँ ये होता है, मुझे अब और कोशिश करनी होगी, तब जाकर आप कामयाब बनते हो। इवन कहीं भी पहुंचने के लिए रास्ता मुश्किल होता है। ऐसा होता है ना कि हम कभी जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी पिकनिक के लिए जाते हैं, अक्सर जो वाटर पार्क्स होते हैं वो घरों से बहुत दूर होते हैं, वो जो घर का जो रेजिडेंशियल एरिया होता है वो करीब होता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको धूप में गर्मी में चल के 1-2 घंटे पहले आप जाते हो, मतलब गाड़ी में बैठ के आप जाते हो, उसमें धूप भी लग रही होती है लेकिन आप इंजॉय करते हो। कई रास्ते में क्या होता है कि आपकी गाड़ी का अगर टायर पंक्चर हो जाए तो क्या आप रोने बैठ जाते हैं कि लो टायर पंक्चर हो गया, नहीं ना, आप उस वक्त हंसते हैं, गाते हैं, टायर भी सही करते जाते हैं और फिर दोबारा से चल पड़ते हैं। इसी तरह से आपकी लाइफ की जो जर्नी है वो भी इन तमाम प्रॉब्लम्स की तरह होती है। जब आप वाटर पार्क पहुँच जाते हैं फिर आपको लगता है हाँ अब मैं पहुँच गया, अब मुझे बड़ा मजा आएगा क्योंकि अब तो मैं अपनी जगह पर पहुँच गया हूँ और अब तो मैं इन्जॉय करूँगा। तो यही चीज़ आपने अपनी लाइफ के अंदर भी रखनी होती है कि जब हम यहाँ पर मौजूद हैं तो हम जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको फेस करेंगे, और फेस कैसे करेंगे, हंसते हुए। अब हंसने का मतलब ये भी नहीं है कि आप हर प्रॉब्लम पे हंसना शुरू कर दें, टीचर आपको डांट रहा है तुम्हारा लेवल इतना क्यों गिरा और आप कह रहे हो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब टीचर आपको डांटेगा तब आपने सुकून से गौर से अपनी गलती को फोकस करना है, अच्छा ये गलती हुई है इसको करेक्ट करना है। तो जब आप इन चीज़ों पर स्टिक रहकर कायम करते हैं, अपने आप को रेडी रखते हैं,
तब जाकर आप सक्सेसफुल बनते हैं. It's simply like if you want to achieve something, you have to stick on that, be determined, be ready, be alert and don't think about people. लोग तो आपको रोकेंगे, लोग तो कहेंगे कि तुमसे ये काम नहीं हो रहा, लोग तो ये भी कहेंगे तुम अच्छा काम नहीं करते, लोग तो इवन आपको रोकने के लिए आपका हाथ पकड़ के भी रोक सकते हैं, खींच भी सकते हैं आपको पीछे, लेकिन आपको नहीं रुकना. और जो इंसान सारी प्रॉब्लम्स को कवर करके आगे बढ़ता है वो इंसान दुनिया का सबसे ज़्यादा कामयाब इंसान बनता है. इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसमें बहुत सारे बिहेवियर्स आते हैं. कभी कभी आपके फ्रेंड्स आपको छोड़ देते हैं, कभी कभी आपके जो दूसरे लोग होते हैं वो आपके साथ लड़ाई करना शुरू कर देते हैं. तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उनसे घबरा कर खड़े हो जाएं कि नहीं अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता. जब आप ये सोचते हो ना कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप वाकई कुछ नहीं कर पाते. और अब जब आप सोचते हो कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ तब आप वाकई बहुत कुछ कर जाते हो. तो इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है. आपको अपने गोल की तरफ पहले तो अपना माइंड फोकस रखना है. नहीं ये तो मुझे करना है, कोई कुछ भी बोले अच्छा ठीक है. इसके साथ साथ अगर लोग आपसे बोलते हैं, जैसे कि अब आपसे कहा जाता है कि आप स्कूल जाओ, तो स्कूल जाने का मकसद होता है आपकी अच्छी स्टडी. स्कूल भी जाएंगे, स्टडी भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे और मेहनत के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर भी करेंगे. उसमें आपने घर का काम भी करना है, ये नहीं कि सिर्फ स्कूल की तरफ ही ध्यान है. उसमें आपने घर का काम भी करना है, अपने बहन भाइयों का भी ख्याल रखना है, अपने पेरेंट्स की बात भी सुननी है और साथ साथ स्कूल को फोकस करते जाना है ताकि एक ना एक दिन आप कोई बड़ी शख्सियत बन के सामने आओ. फिर एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप आओगे आपके अपने घर में आपकी अपनी अचीवमेंट होगी तो लोग आपको देख कर कहेंगे वाओ ये है कामयाब इंसान, ये है सबसे ज़बरदस्त. तो यही सारी चीज़ें आपको बताएंगे प्रोग्राम में. यहाँ वक्त तो एक छोटे से वक्फे का, कहीं जाइएगा मत. मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद.